हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा। हलवा एक ऐसी स्वीट है जो सब बहुत पसंद करते हैं, और जब आपका घर में कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो आप ये फटाफट बना सकते हैं। दूसरी मिठाई बनाने में आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये फटाफट बन जाती है। तो चलिए मैं आपको इसकी सामग्री बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल सूजी ली है और इसको छान लिया है। आधी बाउल चीनी ली है, आप बढ़ा या घटा सकते हैं। और आधी बाउल ही देसी घी लिया है। आप डालडा में ना बनाए, देसी में ही बना है हलवा, उसमें टेस्टी बनता है। और एक गिलास पानी लिया है। 1/4 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 जगह ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो आधे हम हलवा बनाने में डालेंगे और आधे हम गार्निशिंग में लेंगे। तो चलिए हमारा हलवा बनाते हैं। पैन मैंने चढ़ा दी है और इधर मैंने एक गिलास पानी भी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट पहले सूजी सेक के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये ऐसे अच्छा लगता है। डायरेक्ट घी में जब सूजी सेक के बनाई जाती है तो हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैं पहले इसमें घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो गया, इसमें हम सूजी ऐड करते हैं और सूजी को अच्छे से घी में फ्राई करेंगे। जब तक इसमें अच्छी खुशबू आने लगे तब तक हम इसको ब्राउन होने तक अच्छा फ्राई करेंगे। अलग से सूजी आप अगर करके हलवा बनाते हैं तो भी कोई वो सेंस नहीं है, डायरेक्ट आप घी में ही पकाइए उसको, सूजी को ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से सिक चुकी है, इसकी सूजी की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी पक रही है ये। अब इसमें हम हमारा पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं पानी के लिए। थोड़ा पानी हम डालेंगे, पानी गरम, गरम पानी कर दिया था। अब इसमें हमारी चीनी ऐड करेंगे। जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए हम हलवा पकाएंगे। ये देखिए हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और हमारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी पसंद करते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। हलवा आप किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, जब आपकी खाने की इच्छा हो तो बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा हलवा रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। गैस हम ऑफ कर देते हैं और हमारा हलवा निकाल लेते हैं। चलिए हमारा हलवा निकालते हैं। मैंने बाउल में हलवा निकाल लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेट में निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा शेप में अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए हलवा इस पर निकल गया। ऊपर से थोड़ी सी कच्ची चीनी डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा घी, देसी घी, और अब इस पर हमारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हलवे में देसी घी का ड्राई फ्रूट्स का ही कमाल रहता है। जितना आप देसी घी डालेंगे उतना अच्छा बनेगा हमारा हलवा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ही शेप में हलवा रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी ऐसे ही बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। Thanks, friends.